दिस सेशन इज ज्वाइंटली होस्टेड बाय मी एंड कॉपी किताब, इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म विच सेल्स डिजिटल बुक्स, डिजिटल कंटेंट. यू कैन गेट माई कंटेंट ओवर देयर. हम वहां पे आपको दे रहे हैं टेस्ट पेपर्स, हम वहां पे दे रहे हैं आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज, और वो रिकॉर्डेड वीडियोज आप प्राप्त कर सकते हैं इंडिविजुअल लेक्चर वाइज भी, चैप्टर वाइज भी और एंटायर कोर्स वाइज भी. बहुत सारे फ्री कंटेंट भी हमने वहां अपलोड कर रखे हैं. और कॉपी किताब के हमारे बत्रा सर ऐप पे, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ओवर देयर एंड यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स. आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, हमने इसे लॉन्च किए अभी कुछ दिन ही हुए हैं एंड इट हैज गॉट ऑलमोस्ट 500 डाउनलोड्स. और हम चाहेंगे आप सारे लोगों को कि आप इस बत्रा सर ऐप को डाउनलोड भी करें और इस लिंक को आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स. We are into the fifth webinar today and we have done four webinar before this. We started with Copy Kitab platform. Our first webinar was on 15th of June and the topic was how to crack the CA examination. As you all know, hamara bachcha pass nahi kar pata hai, then it is necessary teachers like me who have got huge experience of examination. I am teaching CA fraternity since last 31 years and 62 CA exams have been gone by. तो कॉपी किताब प्लेटफॉर्म के साथ हम मिलके उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये सारे वेबिनार हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. जैसा कि आप जानते हैं पेंडेमिक टाइम में जब बच्चे को हेल्प नहीं मिल पा रही है, हम इन वेबिनार्स की मदद से आपके कोर्स को करवाने जा रहे हैं. और इसके साथ साथ हम ये कोशिश भी करेंगे कि आप इन सारी चीजों को आसानी से हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ पाए और आराम से सारे कामों को समझ पाए. तो ये तरीका रहेगा हमारा कॉपी किताब के साथ पे. फर्स्ट वाज ऑन द 15th, सेकंड जो है वो हमने किया था 18th को. आप सभी को पता है टॉपिक क्या था उसका, याद है क्या किसी को भाई? एनीवन, क्या टॉपिक था उसका? उसका टॉपिक था केस बेस्ड स्टडीज का डिस्कशन. हमने एमसीक्यू में भी किया था और हमने एक और टॉपिक पर डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्टिव सवाल कैसे आएंगे. आर थर्ड वेबिनार वाज ऑन 27, उस दिन हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ चीजों को डिस्कस किया था. और फोर्थ वेबिनार हमारा था मंथ के लास्ट में, जून में 30th को, जिस दिन हमने क्या डिस्कस किया था भाई? डायवर्सिफिकेशन मेथड्स को, ठीक है ना. तो उस दिन हमने थोड़ा सा सेशन को एंड अप जल्दी कर दिया था. आज मैं आपके सामने रिवील कर देता हूं, हमें सेशन को वैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया था पर वो सेशन थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया था बिकॉज देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ सम लाइटिंग और लाइट चली गई थी यहाँ पे, इसलिए हमने उसको वाइंड अप कर दिया था. आज हम उस कमी को पूरा कर देंगे आप लोगों के लिए, आज इस सेशन को पूरा करेंगे. एंड वी मेड सच एन अरेंजमेंट दैट द सेशन गोज अनइंटरप्टेडली. अच्छा, अब मुझे बताएं बच्चा, आप सब लोगों को पता है इंस्टीट्यूट हैव मार्च योर एग्जाम एंड इट हैज कैंसल्ड योर एग्जाम, पता है ना भाई सबको? सबको पता है ये बात? तो मुझे बताएं, अब ऐसी स्थिति में आप लोगों को बहुत सारी मदद चाहिए होगी शायद, और हमारी तरफ से आप बहुत सारी मदद चाहते भी होंगे. तो बताएं क्या क्या मदद आप चाहते हैं हमारे तरफ से. चैट बॉक्स में जरा लिख के बता दें क्या क्या मदद चाहते हैं आप हमसे. चैट बॉक्स नहीं आ रहा हर्षवर्धन कह रहे हैं बिल्कुल फ्री लेक्चर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बेटा यहां पे. आप हमारी कॉपी किताब के कॉन्टेक्ट नंबर को सभी लोग सेव कर लीजिए, ये आपको हमारे बाद हेल्प के लिए अवेलेबल होंगे. किसी भी प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आपको वहां से मिल सकता है. मैं एक बात बेटा और शेयर कर दूं आप सब लोगों के साथ पे, आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. जो लोग मई में एग्जाम देने चाह रहे थे पर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम जो है मर्ज कर दिया, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा इतनी सारी तैयारी कर ली, अब हम एग्जाम में कैसे जाएंगे. तो मैं बता दूं बेटा आपको, हम लोग आपके साथ लगातार बने रहेंगे आपके एग्जाम तक.
हमने नेक्स्ट कमिंग वीक में भी दो वेबिनार प्लान कर लिए हैं 7 और 11 को, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एज डिजायर्ड बाय यू पीपल, और इसी तरीके से हम आगे एक फ्लो चार्ट का सेशन भी आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं. सो फास्टन योर सीट बेल्ट, अब हम लोग सब मिलकर तैयारी करेंगे नवंबर 20 के एग्जाम की. सभी लोग नवंबर 20 के एग्जाम के लिए इकट्ठे होकर तैयार करने जा रहे हैं. हम सब लोगों को मिलकर वर्क हार्ड करना है और हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलके कि किसी तरीके से आपका ये एग्जाम अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट मनवा दिया जाए, नवंबर 20 में आप पास कर जाएं और आप फ्लाइंग कलर के साथ फाइनल एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ें. इस कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे बेटा हम क्या देने जा रहे हैं आप लोगों को मैं बता दूं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड विद हेल्प ऑफ कॉपी किताब रिवीजन मैराथन, वी विल प्रोवाइड यू द टेस्ट सीरीज, वी विल प्रोवाइड यू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. अभी तो हमने कुछ बताया, कुछ और भी बताएंगे बेटा हम आपको, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स लिख के बताएंगे हम कैसे करेंगे. इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम भी बताएंगे हमने, हमने पिछली बार बताया था दैट वर फॉर द मे. अब आरटीपीज आ जाएंगी हमारे पास में सितंबर के आसपास, तो हम अक्टूबर में आप लोगों को इंपॉर्टेंट सीरीज देंगे और आप हमारे चैनल बत्रा सत पे जाके देख सकते हैं हमने अब तक जो इंपॉर्टेंट सीरीज दी है फ्रॉम 60 to 90% हमारे पेपर वहां से लगा करते हैं. आप हमारे बत्रा सर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, चैट बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड करते हैं आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे. मैं भी आपको एक टूर करवाने वाला हूं बहुत जल्दी इसका. तो जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं बिना समय गवाए हुए. हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्या टॉपिक है भैया आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड. चार मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज मेथड्स आर बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मेथड, एनसॉफ आइगर एनसॉफ मेथड, एडीएल आर्थर डी लिटिल मैटर आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स एंड देन जी जनरल इलेक्ट्रिक. सो दीज आर द फोर मेथड्स अंडर द पोर्टफोलियो एनालिसिस. लेट मी टेल यू दीज आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स. As far as new course of EISSM is concerned, this portion comes from the strategic management chapter number 2 in the new course. And the chapter number 2 is dynamics of competitive strategy. This portion is given over there. मैं भी आपको ले चलूंगा मेरे notes में, कहां वो आपको दिखाई देगा. उसके बाद मैं बात करूं अगर आपसे from the old course, it is coming from the chapter number 3. और chapter number 3 old course में उसका नाम है strategic analysis. और ये वहां आपको मिलेगा. And मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से हमेशा और खासतौर से इस टॉपिक से 6 to 8 marks के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं. तो बेटा जो आज आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ में 6 to 8 marks की तैयारी आपकी हो जाएगी. अब तक जो हमने सेशन लिया मैं थोड़ी उनकी इंपॉर्टेंस भी बताता चलूं दोबारा से आपको. फर्स्ट सेशन था आपका सीए के एग्जाम में इतनी डिफिकल्टी क्यों है, बच्चा क्या नहीं कर पाता, हमने आपको वो नट्स बताए थे उसमें हाउ टू क्रैक इट, है ना, बताए थे हमने कीवर्ड कैसे लिखने चाहिए एंड सो ऑन. सेकेंड हमारा जो था उसमें हमने आपसे केस स्टडीज डिस्कस की थी, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था केस स्टडी कैसे आएंगी, तो हमने कुछ केस स्टडी डिस्कस की थी आप लोगों के साथ में. इन द नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर एंड मोर केस स्टडीज विद यू, तो वो सेशन भी आपके साथ आएगा. थर्ड हमारा जो सेशन था बेटा वो था क्लाउड कंप्यूटिंग पे, हमने जो टॉपिक पिक किया था उससे एटलीस्ट 4 marks के क्वेश्चन जो है आपके हमेशा एग्जाम में पूछे रह रहे हैं. और दिस टॉपिक ये मैं जितने भी सेशन ले रहा हूं, लेट मी टेल यू These sessions are important for both old course student and new course student. तो मैंने पहला session 15 को लिया था, मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से हम लोग जो है प्रेजेंट करें अपने आंसर्स को, हम क्या लिखे हैं, इट इज एप्लीकेबल टू ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स बोथ. इसी तरीके से जो हमने सेकंड सेशन लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था केस स्टडीज, दैट वाज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स बोथ. थर्ड सेशन जो हमने लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग पे, अगेन दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स, एंड एटलीस्ट 4 marks क्वेश्चन हमारा उससे तैयार हो गया था. सो वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट. के आर दिलीप कह रहे हैं यस सर आई एम विलिंग टू गेट फ्री लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल एंड मॉक टेस्ट. बेटा जरूर आपको मिलेंगे, आपको हमसे जुड़े रहना होगा कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट. और बाकी चीजों के लिए हम आपको भी टूर करवा देंगे, आप कुछ चीजें हमारे ऐप से भी परचेज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे वो आपको ऐप में मिल जाएंगी, और बहुत ही कम नॉमिनल प्राइसेस पे हमने उसे रख रखा है सो दैट एनीबडी कैन अफोर्ड. तो मैं बता रहा था आपको 3 webinars में हमने वो सारी चीजें डिस्कस की है विच ए स्टूडेंट ऑफ CIPCC और CA इंटरमीडिएट कैन डिमांड. फोर्थ हमारा जो लेक्चर था दैट वाज द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, उसपे भी बेटा 4 number का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू कोर्स. और आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लाया हूं बेटा दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड, 6 to 8 marks क्वेश्चंस कैन कम अप. तो अगर आप देखें तो अब तक हमने आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बता दी जिससे आप ओवरऑल इंप्रूवमेंट करके 2 से 4 number ज्यादा ला सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन की वजह से.
इसके अलावा हमने आपको बताया केस बेस्ड स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, तो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन बेटर हो जाता है बेटा इससे। थर्ड हमने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उससे। फिर हमने बताया डायवर्सिफिकेशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उससे। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको, क्या बताने जा रहे हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिससे 6 to 8 मार्क्स का आ जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा समअप कर दूं और मैं बता दूं आपको, अब तक कॉपी किताब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों की कितनी मदद कर चुके हैं। आप देखें जरा कितनी मदद आपकी हो गई है हमारे द्वारा कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे। लेट अस सी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस को, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, देखो आपकी कितनी मदद हो चुकी है अब तक कॉपी किताब प्लेटफॉर्म और हमारी वजह से। सबसे पहले हमने आपको बता दिया प्रेजेंटेशन स्किल्स आप अपनी कैसे बेटर करेंगे। सो फर्स्ट वाज प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन अगर कोई अपनी इंप्रूव कर लेता है तो 2 to 4 मार्क्स कैन बी गेन्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। मैं मिनिमम 2 ही मानता हूं, चलो 2 नंबर का तो एटलीस्ट इंप्रूवमेंट हम कर देंगे आपके सारे कामों में। सेकंड हमने आपको बताया था केस स्टडीज, तो केस स्टडीज से एटलीस्ट 4 मार्क्स का आपको बेनिफिट होने जा रहा है। बाकी तो और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ में और बेटर होते चले जाएंगे। उसके बाद हमने बेटा डिस्कस किया था आपके साथ में क्लाउड एनवायरनमेंट को, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिफिकेशन स्कीम्स को, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा उससे आता है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड्स, इससे 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं 6 मान रहा हूं, तो आप टोटल लगाए जरा, 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14, 14 and 6 = 20। अब तक बेटा हम आपको कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे 20 मार्क्स की वेटेज का, जो कि श्योर शॉट आने ही आने हैं, उतनी तैयारी करवा दिया है। जैसा मैंने आपको बताया है, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है 31 ईयर और 62 एग्जाम अटेम्प्ट का, मैं सबसे पहले तैयारी करवाता हूं बेटा पास करने की। चाहे आप मई के बच्चे थे जो आप नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, या फर्स्ट टाइम नवंबर में देने जा रहे हैं, मैं आपको इन वेबिनार में, मतलब जुलाई एंड होते होते 40 मार्क्स की तो तैयारी करवा दूंगा बेटा। करना क्या है आपको, कॉपी किताब के हर वेबिनार पे आपको जुड़ जाना है, और ये सारे वीडियोस जो हम आपके साथ बनाएंगे उसको लिंक करके हम लोग YouTube पे भी डाल देंगे। आपको उनको दूसरे बच्चों तक भी शेयर करना है। कॉपी किताब प्लेटफॉर्म के ऐप को हमारे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, बत्रा सर फॉर सीए प्रिपरेशन को, और दूसरे बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचानी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के एक लीडिंग डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म कॉपी किताब के साथ मिलकर ये सारी मदद आपको करने जा रहे हैं। और बेटा मैं एक बात शेयर कर दूं आपके साथ में, ये मेरे जिंदगी का अनुभव है, जब बुरे समय में कोई आपका साथ देता है तो हमें भी उसका साथ निभाना चाहिए, कभी उसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस समय सल्यूट है कॉपी किताब को, जो पेंडेमिक टाइम में आपके लिए बत्रा सर को लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपकी हेल्प करने के लिए। और कॉपी किताब केवल चार्टर्ड एजुकेशन की ही फैसिलिटी नहीं देता, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 8 मिलियन इसके एक्टिव यूजर्स है इस समय, और ये हिंदुस्तान का आने वाले समय में लीडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म बनेगा एज फार एज डिजिटल कंटेंट इज कंसर्न। और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं देख रहा हूं, ये 2021 शायद दिसंबर होते होते तक हम कॉपी किताब को हिंदुस्तान का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे आने वाले समय में। इसमें काफी सारे डाइवर्सिफिकेशन आएंगे, जैसा हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, हम और कॉपी किताब मिलकर बहुत सारी चीजों को लाने वाले हैं इन द कमिंग ईयर 2021 में। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को लगातार देखते रहेंगे तो आप इसकी ग्रोथ देख के चकित रह जाएंगे, बहुत सारी चीजें इस पे आने जा रही है। हम और कॉपी किताब मिलकर इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, प्रेजेंटेशन में 2 मार्क्स, केस स्टडी में 4 मार्क्स, क्लाउड में 4 मार्क्स, डाइवर्सिफिकेशन में 4 मार्क्स, और साथ में पोर्टफोलियो एनालिसिस में 6 to 8 मार्क्स, 6 मार्क मान ले, 20 मार्क्स की प्रिपरेशन तो हमारे इन 5 वेबिनार से ही आपकी हो गई है। अगले 4-5 और वेबिनार पहुंचते पहुंचते आप पाएंगे आपकी प्रिपरेशन पास के लायक हो जाएगी, 40 स्कोर करने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। देन इन द कमिंग मंथ्स ऑफ अगस्त इटसेल्फ हम लोग आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करवा देंगे, और उसके बाद जो लोग हमसे जुड़ के या रैंक की कोशिश करना चाहते हैं, जुड़े रहे हमारे इस कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे, हमारे साथ में बत्रा सर ऐप पे, हम आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ रैंक की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना, जिसका नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड्स। मुझे कुछ चैट बॉक्स में बताएगा भी पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनीबडी चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, एनीबडी
चलिए मैं बताता हूं आपको। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं अपन पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है ना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है व्हेन ए मल्टी बिजनेस कंपनी लाइक टाटा, लाइक पतंजलि, लाइक रिलायंस, विच इज डूइंग सो मैनी बिजनेसेस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आपको लगता है उनके सारे बिजनेस एक समय में एक साथ ग्रो करते होंगे? कुछ बहुत अच्छे चलते होंगे, कुछ में स्टेबिलिटी चल रही होगी मीडियोकर तरीके का, और कुछ डाउनवर्ड फॉल्स में भी हो सकते हैं। क्या सारे बिजनेस सबके अच्छे चलते हैं? क्या टाटा का स्टील बहुत अच्छा चलता है, टाटा का FMCG बहुत अच्छा चलता है, लेकिन टाटा डोकोमो चला क्या? टाटा की एयरलाइंस विस्तारा और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में जो कोलाबरेशन है उनका, एयर एशिया, क्या वो उतना अच्छा कर पा रही है क्या? और इस पेंडेमिक टाइम में तो एयरलाइन ग्राउंडेड ही है, तो बताओ क्या वो उसको लाभ दे पा रही है क्या? रिलायंस की बात कर लें तो रिलायंस के क्या सारे वेंचर उसे अच्छा लाभ दे रहे हैं, जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल या रिलायंस जियो दे रहा है ना? तो हमें ये देखना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या पतंजलि के सारे आइटम एक साथ ही अच्छा प्रॉफिट बाबा रामदेव को दे रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे होंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, डूइंग व्हेन डूइंग सो मेनी बिजनेसेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, द सीईओ ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी और ओनर ऑफ ग्रुप ऑफ द कंपनी डिसाइड्स विच टाइप ऑफ बिजनेसेस टू बी ग्रोन एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, किन को हमें स्टेबल रखना है और किन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना, माँ का लाडला बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ गया तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, लेट मी क्लियर विद ऑल ऑफ यू फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड को डिस्कस करते हैं। इट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10 इन आर बुक एट पेज नंबर 20। ये सब आपको कॉपी किताब के प्लेटफॉर्म पे डिजिटली अवेलेबल है, यू कैन सी ओवर देयर। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ए बिजनेस पोर्टफोलियो, आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ विजिबल एंड क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, आई हैव इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ए बिजनेस पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट दैट मेकअप द कंपनी। टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इट इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड सेकेंड द प्रोडक्ट दैट मेकअप द कंपनी, है ना। टाटा को टाटा किन प्रोडक्टों से मिलकर बना है, किन सर्विसेज से लेकर बना है? टाटा स्टील है, टाटा का नमक है, टाटा का एविएशन है, टाटा का कम्युनिकेशन है, और टाटा के कई सारे, टाटा का सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये सारे उसके प्रोडक्ट को बनाया करते हैं। द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पोर्टफोलियो इज वन दैट बेस्ट फिट्स द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कोई भी पोर्टफोलियो जब बनाते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख के बनाते हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बिजनेस करूंगा, तो हो सकता है उतना सक्सेस ना जाए। लेकिन अगर आप रैशनल एनालिटिकल थिंकिंग करके कोई बिजनेस करेंगे तो उसका चलना तय है। जैसे मैं कह रहा हूं आपको, इस पेंडेमिक टाइम ने हमें सिखा दिया है कि अब पूरी दुनिया धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखो हमारे कॉपी किताब का एक राइट इनिशिएटिव राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे है, नाउ दे आर ग्रोइंग जस्ट लाइक एनीथिंग, है ना। मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज है, कॉपी किताब हर महीने कई तरीके के वेबिनार लेके आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो स्टॉलवर्ड्स हैं लेके आ रही है, अलग अलग फील्ड से, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड से, मैनेजमेंट फील्ड से, स्कूल कॉलेजेस के फील्ड से, और सारे बच्चों को वो घर पे अपने घर पे बैठे हुए अपने कैपेसिटी में यूज करने का मौका दे रही है। सो दिस इज सीइंग इनटू द फ्यूचर, है ना, भविष्य में देखने की बात हो जाया करती है। सो आई विश माई साइड, फ्रॉम माई साइड कॉपी किताब वेरी बेस्ट ऑफ लक कि वो ग्रो करें और हिंदुस्तान में हमारे स्टूडेंट्स को खूब सारी सुविधाएं दें और हमारे जैसे एजुकेटर्स की मदद से दुनिया भर के बच्चों को अच्छी सी हेल्प कर पाए। देखिए पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन अगर पैसा ऐसे तरीकों से कमाया जा सकता है जिससे किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाया जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसा कमाया हुआ अर्न किया हुआ पैसा अच्छा पैसा कहलाता है ना। अब मैं विजय माल्या की बात नहीं करूंगा, वो पैसा कैसे कमाता था आपको पता है ना। तो हम बात कर रहे हैं एक गुड वे में कैसे बच्चों की मदद कर दी जाए और उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म अपने अर्निंग को भी बढ़ा सके। तो डाइवर्सिफिकेशन हम बिजनेस पोर्टफोलियो से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं चार मेथड्स की बिजनेस पोर्टफोलियो में। वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट मेथड, हम चार मेथड डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मेथड BCG। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे आइगर एंसॉफ मैट्रिक्स, जिसको आप पहले भी दूसरे यूनिट्स में डिस्कस कर चुके होंगे लेकिन मैं फिर से लूंगा यहाँ पे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ADL आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स, एंड फोर्थ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल GE। सो लेट अस स्टार्ट विद आर फर्स्ट मेथड बॉस्टन कंसल्टिंग BCG मैट्रिक्स। मैंने इसे May 20 के लिए ना इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, अब वो एग्जाम तो हो नहीं रहा है,
इसका मतलब नहीं है कि नवंबर में आ जाएगा, नवंबर की इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा सितंबर में जब हमारी आरटीपी आ जाएगी तब, उससे पहले नहीं बता पाऊंगा मैं, तो एक बार आरटीपी को आ जाने दो, उसके बाद में आई विल शेयर विद यू द न्यू सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर एप्लीकेबल इन नवंबर 20 एग्जाम। वैसे ये क्वेश्चन मई 19 में 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था बीसीजी, यहाँ बीसीजी है ना बॉस्टन कंसल्टिंग कहलाता है, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क इन एमसीक्यू ऑल्सो, है ना, नॉर्मल जो एमसीक्यू होता है ना उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि वॉट इज बीसीजी मैट्रिक्स। चलिए तो बात करते हैं वॉट इज बीसीजी, ये अमेरिका के एक शहर बॉस्टन से निकल के आता है मैथड, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मेथड, है ना, बॉस्टन शहर में कंसल्टिंग एजेंसी है उसका मेथड है ये। क्या करता है ये मेथड, मैं पहले समझा देता हूं ये मेथड आपको, ये एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है। कैसा है ये भी मेथड, टू डायमेंशन मैट्रिक्स है, टू डायमेंशन से क्या मतलब होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगी इसके अंदर और एक वर्टिकल एक्सेस होगी इसके अंदर। तो देखे भाई हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग द मार्केट शेयर, वर्टिकल एक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग द मार्केट ग्रोथ रेट। तो बेसिकली ये किसके किसके बीच में है मैट्रिक्स, इट इज बिटवीन मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। एज यू ऑल नो देर आर टू टाइप ऑफ मार्केट शेयर्स, हाई एंड लो, एंड सिमिलरली देर आर टू टाइप ऑफ ग्रोथ इन द मार्केट, हाई एंड लो। तो बेसिकली रिलेटिव मार्केट शेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, हाई एंड लो, सिमिलरली मार्केट ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, हाई एंड लो। कुछ समझ में आ रहा है कि भाई आपको कैसे बनाना है आपको, जरा मैं वापस से समझा देता हूं आपको, इट इज ए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। कैसी है भाई, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बेटा पता चल गया अभी सबको, एक्स एक्सिस पे क्या बताया था बेटा हमने आपको, एक्स एक्सिस पे हमने बताया था आपको रिलेटिव मार्केट शेयर को, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग मार्केट शेयर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मार्केट ग्रोथ। ठीक है, दो स्थितियां बनती है बेटा इसमें, हाई लो एंड हाई लो, सो दिस इज हाई मार्केट शेयर, दिस इज लो मार्केट शेयर, दिस इज हाई मार्केट ग्रोथ, दिस इज लो मार्केट ग्रोथ। क्लियर है सबको, तो कैसे बनाएंगे इसको, बनाना सीखना पड़ेगा, है ना, आप एक बार घर पे ड्रॉ कर लेना अपने हाथ से जैसे मैं बना रहा हूं। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड राइट द रिलेटिव मार्केट शेयर, देन यू ड्रॉ द वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव मार्केट ग्रोथ, देर आर टू स्टेजेस इन इट, द शेयर इज हाई एंड शेयर इज लो, सिमिलरली द ग्रोथ इज हाई एंड ग्रोथ इज लो। ओके, सो देर आर टू बाय टू मैट्रिक्स फॉर्मेशन, दो रो और दो कॉलम है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं होता क्या है इसमें, जब मार्केट शेयर हाई होता है और मार्केट में साथ साथ में ग्रोथ भी आई होती है, व्हेन मार्केट शेयर इज हाई सिमिलरली यू हैव मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ इज हाई एंड मार्केट शेयर इज हाई, ऐसी पोजीशंस को बेटा हम कहते हैं स्टार पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन, इट इज नोन एज ग्लिटरिंग स्टार्स। मैं बात करूं इस समय हिंदुस्तान में जियो जो है ना टेलीकॉम के सेक्टर में ऑलमोस्ट 51.76% मार्केट शेयर लेके बैठा है, वो हमारे टेलीकॉम जगत का क्या है, चमकता हुआ सितारा है, क्योंकि इस समय मार्केट में ग्रोथ भी बहुत है ना, और मार्केट का रिलेटिवली शेयर भी इस समय उसका सबसे ज्यादा है। ऐसी पोजीशन में उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ऐसी पोजीशन में उसको अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, मतलब ये 51% के शेयर पर रुकना नहीं चाहिए उसको, उसको और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे बेटा हम लोग, बिल्ड की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। फिर से समझें, ये 2x2 का मैट्रिक्स है जो मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बीच में बनता है, 2x2 पे जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल एक्सेस मार्केट ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करती है, दो पोजीशन बनती है हाई लो हाई लो। अगर हम बात करें रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है जैसा कि रिलायंस का है 52% ऑलमोस्ट, और मार्केट की ग्रोथ भी बहुत है, अभी भी हिंदुस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में एज फार एज मोबाइल मार्केट और स्मार्टफोन इज कंसर्न बहुत सारा अभी और माल बिकना बाकी है, हम अभी भी करीब 70 करोड़ जो है वो एक्टिव यूजर्स के साथ आ चुके हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है ना, अभी भी हमारे पास में 135-137 करोड़ की जनता है, तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है हम सबके लिए। तो ऐसी पोजीशन में रिलायंस को क्या रुक जाना चाहिए, या पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या कहता है, ये सारे के सारे पोर्टफोलियो एनालिसिस ग्रोथ ओरिएंटेड है। बेसिकली इन चारों मेथड्स में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ वी कैन अचीव द ग्रोथ। तो बेसिकली हमें करना क्या बेटा इसमें, हमें बिल्ड पोजीशन, हमें स्टार पोजीशन में अपने आप की पोजीशन को और कंसोलिडेट करना है, हमें उसको और बिल्ड करना चाहिए, तो हमारी स्ट्रेटेजी होगी बिल्ड। चलिए अब दूसरी बात करते हैं अपन, अगर मार्केट शेयर आपका लो है, मार्केट शेयर आपका लो है लेकिन मार्केट में ग्रोथ है, इस समय हिंदुस्तान के टेलीकॉम मार्केट में ग्रोथ है या नहीं है,
लेकिन आपका मार्केट शेयर कम है, इसका मतलब आप बीएसएनएल जैसे प्लेयर हैं जो इस समय केवल 4.1% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री में टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो बताओ ये बीएसएनएल के लिए चिंताजनक स्थिति नहीं है? तो ऐसी पोजीशन को हम बेटा क्या कहा करते हैं, ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अपने आप पे प्रश्न चिन्ह है कि मार्केट में ग्रोथ है तो मैं ऐसा क्यों हूं। बीएसएनएल पूछे अपने आप से, मैं ऐसा क्यों हूं। मैं एक पर्सनल एग्जांपल बता देता हूं आपको, कल का ही है। मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूं आपसे, मैं चाहता था कि बीएसएनएल का गीगा फाइबर केबल अपने घर पे लगाओ, लेकिन बीएसएनएल वाले मेरे फोन ही पिक नहीं कर रहे। तो बताओ ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति क्यों बीएसएनएल लेना चाहेगा? हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाना चाहेंगे ना। और अगर रिलायंस गीगा फाइबर भी मुझे वो सुविधा नहीं देता है, कोई और मैं और लेना चाहूंगा। तो बीएसएनएल की पोजीशन इसलिए है क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट होने के कारण बहुत स्लो चलता है ना। सरकार का मतलब समझते हैं क्या होता है? सरक सरक के चलने वाली कार, सरक सरक के चलने वाली कार। अब मोदी जी तो बहुत बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी तो मोदी जी के आने से पहले भी था ना, 2014 से ही तो आए मोदी जी। तो 6 साल में क्या हमारा नॉमन क्लीचर बदल देंगे क्या मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन डाउन द लाइन काम तो हमारे सरकारी बाबू नहीं करना है ना। और हमारा सरकारी बाबू बड़ा बदमाश होता है ना। सरकारी बाबू जो ना बड़ा बदमाश होता है, ये बाबू है ना किसी के काबू नहीं आया करता हमारे। आप में से जिन लोगों को सरकारी बाबू से डील करने का मौका पड़ा हो ना, आपको पता चल जाएगा। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा, काफी अच्छे भी हुआ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना काबू में नहीं आया करते। वो आपके काम को ऐसा अटकाते हैं कि आप काम कर ही नहीं पाते, और इसीलिए बीएसएनएल आज इस स्थिति में है। और हमें डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है उसके अंदर, रेलवे में करना पड़ रहा है हमारे को, क्योंकि जितने सरकारी डिपार्टमेंट है ये हमारे दमाद बन गए, जमाई बन गए हमारे, और इसीलिए इनकी ऐसी स्थिति बन गई है, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान में। तो बीएसएनएल अपनी पोजीशन को क्वेश्चन मार्क में आके, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में, तो क्वेश्चन मार्क में ऐसा क्यों हूं से समझना पड़ेगा। इस बीएसएनएल की क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति को दो और नामों से पुकारते हैं, इसका एक नाम और है, हम एक नाम और इसको देते हैं वाइल्ड कैट, है ना। वाइल्ड कैट मतलब जंगली बिल्ली। प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं हो रही भाई यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं आपको सीधा डॉन मूवी ध्यान आ जाती है, जंगली बिल्ली। बॉलीवुड से हम लोग सब इतने इंस्पायर्ड हैं कि हमें बातों बातों में बॉलीवुड याद आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं वाइल्ड कैट की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्वेश्चन मार्क पोजीशन विच इज देयर व्हेन योर रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो एंड योर मार्केट ग्रोथ इज हाई। सो दिस पोजीशन इज नोन एज क्वेश्चन मार्क। कोई लोग इसे प्रॉब्लम चिल्ड्रन कहते हैं, बदमाश बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे, माँ का लाडला बिगड़ गया, और कुछ लोग इसको कहते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन। एंड दिस पोजीशन वी मस्ट हार्वेस्ट। हमें क्या करना चाहिए? अपनी पोजीशन से कुछ बेच बाज के बाहर निकल लेना चाहिए, इसे हम कहते हैं हार्वेस्ट पोजीशन। बात आ गई क्या बेटा सबको समझ में? अब चलते अपन तीसरी पोजीशन पे, व्हेन रिलेटिव मार्केट पोजीशन इज हाई। जब आपकी रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो हाई होती है लेकिन मार्केट में ग्रोथ कम हो जाती है, है ना। ऐसा हिंदुस्तान के टेलीकॉम में कब होगा? अगर ये सारे के सारे मोबाइल यूजर हम सेचुरेट कर देते हैं, देश में 130-135 करोड़ लोगों के हाथ में हम स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, ड्यूल सिम ट्राई सिम जो कि रियलिटी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में, 5G भी आने वाला ही है जैसा आपको पता है, तो फिर क्या होगा? ऐसी पोजीशन में सपोज जियो जो नंबर वन मार्केट प्लेयर था लेकिन मार्केट में शेयर ज्यादा होने के कारण बैठा हुआ है, लेकिन मार्केट में अब उसको ग्रोथ नजर नहीं आ रही, सेचुरेशन नजर नहीं आ रही है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या उसको बंद कर देना चाहिए बिजनेस, या इतने बड़े मार्केट शेयर के साथ में उसको अपनी पोजीशन पे बैठे रहना चाहिए? ऐसी पोजीशन को हम बेटा कहते हैं कैश काउ, दुधारू गाय है, मतलब दूध दुआ जा सकता है और रोज उसे अपना घर चलाया जा सकता है। हिंदुस्तान कृषि आधारित देश है, हम कहते हैं इट इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और कैटल फील्ड भी हमारे पास दुनिया में शायद पहले चौथे पांचवें नंबर पर हम कैटल फील्ड में आया करते हैं। तो बेसिकली अगर किसी के पास गाय भैंस घर पे है तो बुरे से बुरी स्थिति में क्या है, वो उसका दूध बेच के भी अपना जिंदगी गुजार सकता है। वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है, वी हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री बट मार्केट ग्रोथ रेट इज लो एंड इट विल कम इन द फ्यूचर वंस अगेन। तो हम तब तक क्या करें, मार्केट में बैठ रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस पोजिशन को कैश काउ कहते हैं और तब हमें होल्ड करना चाहिए, हमें इसमें बैठे रहना चाहिए। इसमें बैठे रहेंगे फिर से जब मार्केट में ग्रोथ आएगी वी विल कैपिटलाइज ऑन डेट। और एक पोजीशन में हमें से कोई नहीं आना चाहता, उसको हम कहते हैं व्हेन मार्केट शेयर इज लो एट द सेम टाइम मार्केट ग्रोथ इज लो। इस पोजीशन को हम बेटा कहते हैं डॉग पोजीशन। वफादार कुत्ते के साथ बना हुआ तो है लेकिन इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसी पोजीशन में सब कुछ बेच बाज के निकल जाना चाहिए और उसको हम कहते हैं डाइवेस्टमेंट पोजीशन। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको समझ में आ गया होगा, लेट मी समराइज इट। हमने बीसीजी पढ़ लिया है, बीसीजी क्या था? 2x2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है ये। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग मार्केट शेयर, वर्टिकल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मार्केट ग्रोथ रेट।
देर आर टू स्टेजेस इन इट, हाई लो हाई लो। और हम बात करें अगर हाई मार्केट शेयर में हाई मार्केट ग्रोथ हो तो इसे स्टार पोजीशन कहा करते हैं, इसमें हम स्ट्रेटजी के तौर पे बिल्ड अपनाते हैं, वी कंसोलिडेट आर पोजीशन। जहां तक बात है हाई मार्केट शेयर में लो मार्केट ग्रोथ रेट की तो इसे कैश काउ पोजीशन कहते हैं, हम होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को और हम इंतजार करते हैं दोबारा से अप साइकिल कब आएगी ताकि हम उसका बेनिफिट उठा सकें। तीसरा होता है जब हमारा मार्केट शेयर लो होता है लेकिन मार्केट में ग्रोथ बहुत आई होती है, जैसे बीएसएनएल की स्थिति इस समय देश में, तो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ऐसी पोजीशन में हार्वेस्ट करना चाहिए। चौथी पोजीशन में कोई नहीं रहना चाहता जब मार्केट शेयर भी लो और मार्केट में ग्रोथ भी ना हो, हम MTNL को महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड को इस स्थिति में मानते हैं, 0.17% के साथ मार्केट में बैठा है, कोई इसका भविष्य नहीं है आने वाले टाइम में, चूंकि सरकारी कंपनी है डिसइन्वेस्टिंग होनी है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक मेथड आपने पढ़ लिया, क्या था भाई वो मेथड, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। वो मेथड था हमारा, कौन सा मेथड था भाई, सबको समझ में आया क्या, क्या मेथड था वो हमारा, उसका नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मेथड। क्लियर है क्या भाई सबको, चैट बॉक्स में जरा लिख के बता दो मेरे को कि सब लोगों को समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। आ गया क्या सबको समझ में भाई, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे जरा। समझ में आ गया सभी को, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। बाकी आप इस नोट्स में से जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे बतरसर ऐप पे मिल जाएंगे, वहां से आप देख पाएंगे, वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट मेथड इज आइगर एंसॉफ मेथड। कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे अपन, आइगर एंसॉफ मेथड। अब आप कहेंगे सर बीसीजी आपके पास था तो आपको आइगर एंसॉफ पे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है बेटा, आप बीसीजी मेथड से फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट की कोई बात नहीं कर सकते। आपको फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट की बात करनी है तो आपको आना पड़ेगा भविष्य में क्या होगा आइगर एंसॉफ मैट्रिक्स पे। तो आइए डिस्कस करते हैं आइगर एंसॉफ मैट्रिक्स की लिमिटेशन हमारे बीसीजी की। क्या है लिमिटेशन, बीसीजी मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इंप्लीमेंट बिकॉज मैनेजमेंट में फाइंड डिफिकल्ट टू डिफाइन द एंड मेजर द मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। तो इसलिए हम फ्यूचर की बात नहीं करते, इसलिए हमें मार्केट में एक नया मेथड उतारना पड़ा, आइगर एंसॉफ का डेवलप किया हुआ, जिसको नाम देते हैं एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स। ये आपके चैप्टर नंबर 4 में भी आपको मिलेगा, 3 में तो है ही, 4 में भी आपको ये मिलेगा, तो 4 का भी पार्ट है बेटा ये। चलिए बात करते हैं किसने बनाया इसे, इसने बनाया, पहला पॉइंट याद रखना आपको, आइगर एंसॉफ ने इसको विकसित किया है। दिस मेथड इज बीइंग डेवलप्ड बाय आइगर एंसॉफ। क्या है ये, इट इज अ हेल्पिंग टूल फॉर द बिजनेस टू डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। ये प्रोडक्ट और मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजीज को बताने के लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया बेटा ये प्रोडक्ट और मार्केट की ग्रोथ को बताने के लिए बताया गया है। बात आ रही क्या सबको समझ में, जो मैं कह रहा हूं बात आ रही सबको समझ में, चैट बॉक्स में लिख के बताया जरा मुझे, क्या सबको समझ में आ रही है मेरी बातें। हर्षवर्धन कह रहा है बिल्कुल समझ में आ रही है, और बाकी बच्चे भी बता दे जरा जल्दी से मुझे कि मैंने जो पढ़ाया अब तक समझ में आया आपको। पूनम कह रही है बिल्कुल समझ में आया, विनय शर्मा कह रहे हैं समझ में आया, श्रावणी कह रही है समझ में आया, जल्दी से बाकी बच्चे भी बता दें समझ में आया या नहीं आया आपको, जल्दी से बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में टाइप करके बता दें, फटाफट से बता दें ताकि हम आगे चलें। सेशन इंटरेक्टिव रखा करो, मुझे भी वापस फीडबैक आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें सभी लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है पिछली वाली मैट्रिक्स की तरह, आओ इसको समझते हैं। इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है दिस वन, वो रिप्रेजेंट करती है किसको भाई, वो रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट को, किसको रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। वर्टिकल एक्सेस रिप्रेजेंट करती है मार्केट को, किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे मार्केट को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है किसको बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारी रिप्रेजेंट कर रही है प्रोडक्ट को, वर्टिकल एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मार्केट को। बीसीजी में हॉरिजॉन्टल किसको रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा, वो कर रही थी मार्केट शेयर को, वर्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा, वो कर रही थी मार्केट ग्रोथ रेट को। तो इस तरीके से कंपैरिजन में हम लोग याद करते चलेंगे चीजों को, बात आ रही है सबको समझ में।
तो इसमें चार स्थितियां बनेगी, 2 बाय 2। इसमें देखो हमारे पास में दो स्थितियां हो सकती है प्रोडक्ट की, या तो प्रोडक्ट हो सकता है एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट कैसा हो सकता है हमारा एग्जिस्टिंग, या हो सकता है प्रोडक्ट हमारे पास में नया, प्रोडक्ट हो सकता है हमारे पास में एग्जिस्टिंग, या हो सकता है प्रोडक्ट हमारे पास में नया। इसी तरीके से मार्केट हो सकता है हमारे पास एग्जिस्टिंग, या हो सकता है मार्केट नया। बीसीजी में क्या था बेटा, बीसीजी में था हमारे पास में हाई लो हाई लो, यहाँ क्या है एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू, कोरिलेट करते चले। सो एनसॉफ्ट का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाओ प्रोडक्ट, वर्टिकल एक्सिस पे बनाओ मार्केट, दो स्थितियां लिख लो एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा बनाने का तरीका क्या है। बात आ गई क्या सबको समझ में भाई, तो हम आगे बात करते हैं अब क्या स्थिति बनती है। देखें सबसे पहला कॉर्नर, एग्जिस्टिंग मार्केट में हम बैठे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठ के हम लोग, एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठ के ही बेटा हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट को ग्रोथ करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठ के एग्जिस्टिंग मार्केट की ग्रोथ चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में, ये हम करना चाहते हैं। तो इस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा भाई, मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। जियो अगर 52% मार्केट शेयर के साथ है, और अगर मैं बीसीजी की बिल्ड मैट्रिक्स के बिल्ड वाले स्थिति से इसको कंपेयर करो, तो क्या ये 52% पे रहना चाहिए और इसकी इच्छा रहेगी और बढ़ना चाहिए, तो हमें और ज्यादा मार्केट में गहरे उतरना पड़ेगा। और उसको हम अंग्रेजी में एक नाम दिया करते हैं, स्ट्रेटेजी का नाम देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, मीन्स गोइंग और एंटरिंग इनटू द मार्केट इन अ बिगर वे, सो दैट टू कैप्चर मोर मार्केट प्लेस। अगर कॉपी किताब आज 8 मिलियन पे है, और हम 2021 अगर टारगेट सेट करते हैं कि हम इसको करीब 20 मिलियन तक ले जाएं, तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, मार्केट में ग्रोथ ही कराएंगे। तो बताओ हमारा मार्केट भी कौन सा है, एग्जिस्टिंग है ना, इसी स्टूडेंट मार्केट में, ये स्टूडेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और हम क्या करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिजिटल कंटेंट को ही आप बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, ग्रोथ के लिए हमें कॉपी किताब को मिलकर करना होगा मार्केट पेनिट्रेशन। देखो मेरे सारे एग्जाम्पल बेटा रियल टाइम होते हैं, अगर मैं सुबह कोई और क्लास पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं वहां पे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आज शाम को यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। मैं मेरी फेस टू फेस क्लास पढ़ा रहा हूँ तो बेटा मेरा एग्जाम्पल ही वहां पे वहां की स्थिति के अनुसार होगा। और अगर अभी सभी कुछ चीन के फ्रंट पे हो जाए या कुछ और पॉलिटिकल सिचुएशन में हो जाए, तो मेरा एग्जाम्पल उस पर हो जाएगा। इसलिए हमारे सारे एग्जाम्पल आपको रियल टाइम मिलेंगे। हम कभी भी अपनी पुरानी क्लासों के एग्जाम्पल वापस रिपीट नहीं करते, शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आते। मैं करंट जो चीजों में चल रहा होता है उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। तो हमारा सारा एग्जाम्पल किस पे होगा बेटा, कॉपी किताब के प्लेटफॉर्म पे होगा आपको समझाने के लिए। तो कॉपी किताब क्या कर रहा है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में और ग्रोथ ओरिएंटेड चाहता है, तो उसे करना होगा मार्केट पेनिट्रेशन। इसका मतलब और हमारे जैसे एजुकेटर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, और आप जैसे बच्चों के सामने एक्सपोज करना होगा, एक्सपोजर देना होगा, आपकी और बेटा हेल्प करनी होगी, ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से कॉपी किताब प्लेटफॉर्म की तरफ से मदद मिलती चली जाए। बात आई क्या बेटा सबको समझ में, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है ये बात हम जो कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। क्लियर है सबको भाई, चलो अब आगे बात करते हैं। सेकंड, अगर सपोज करो हम लोग न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं, मार्केट हमारा एग्जिस्टिंग है, मार्केट हमारा एग्जिस्टिंग है, हम एक न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं। अभी तक कॉपी किताब क्या कर रही थी, आपको ई बुक पे बहुत सारे डिजिटल कंटेंट दे रही थी, ठीक है, मार्केट हमारा वही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कोर्स सेल करने के लिए आ रहे हैं। हम सीए के कोर्स सेल करेंगे, हम लोग वेबरी मैथमेटिक्स के कोर्स सेल कर देंगे, हम मैनेजमेंट के कोर्स सेल कर देंगे, हम ऑफलाइन क्लासेस दे देंगे। तो बेसिकली कॉपी किताब क्या कर रहा है बेटा, ये नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है, वो नया प्रोडक्ट ला रहा है, क्योंकि मार्केट तो वही है, वही स्टूडेंट्स का मार्केट है उसका, है ना, लेकिन प्रोडक्ट नया है। प्रोडक्ट नया कैसे है, अभी तक ई बुक रीडर पे केवल कंटेंट पढ़ने की हम सुविधा आपको दे रहे थे, तो अब हम आपको क्या करेंगे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे एजुकेटर्स को जोड़ के आपको बहुत नए नए तरीके के एक्सपीरियंसेस देंगे, और एक नए तरीके के मॉडल द्वारा हम एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे। तो ये कहलाएगा बेटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की, जब आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, कॉपी किताब का प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मतलब ये डिजिटल कंटेंट का मार्केट, अभी हम काप कर किस में कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग वर्ल्ड वाइड है, लेकिन हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट इंडियन है। लेकिन कल को हम ये चाहें कि हम इस मार्केट को साथ में ग्रो करते हैं, और हम लोग इस मार्केट को यूरोपियन मार्केट के साथ में क्लब करके वहां के कुछ मार्केट को शेयर करते हैं, वहां जो कोर्सेज चलते हैं उनको कराते हैं, और फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेजेस में भी उन लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। तो बेसिकली कॉपी किताब क्या कर रहा है बेटा, मार्केट डेवलप करेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग ही है, प्रोडक्ट तो हमारा एग्जिस्टिंग ही है डिजिटल कंटेंट सेल करने का। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले मार्केट से निकल के हम लोग यूरोपियन मार्केट की तरफ, अमेरिकन मार्केट की तरफ, दूसरे मार्केट की तरफ जाएंगे, तो हम करेंगे मार्केट डेवलपमेंट। और अगर
कॉपी किताब अपने नए प्रोडक्ट को विकसित करे और नए मार्केट में चला जाए, नया प्रोडक्ट नया मार्केट, तो ये कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम लास्ट टर्न में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने कॉपी किताब के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल कॉपी किताब का, एक और फिर से मैं बात करूं, आइगर एनसॉफ्ट ने एक टू डायमेंशन मैट्रिक्स बनाई है जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बेटा हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। वर्टिकल एक्सेस पे क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, मार्केट बनाते हैं। दो स्थितियां हैं, एग्जिस्टिंग न्यू और एग्जिस्टिंग एंड न्यू। वहां हाई लो था, यहां एग्जिस्टिंग न्यू। अब देखो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। आप चाहते हैं ग्रो करे, तो मैं जैसे जियो की बात करूं उसे पेनिट्रेट करना चाहिए। अब बात करता हूं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन नए मार्केट में मुझे जाना है। आपको मालूम है वोडाफोन जो है ना इंडियन कंपनी नहीं है, ये ब्रिटिश कंपनी है। अब जब उसको देखा, उसे लगा हिंदुस्तानी मार्केट में बहुत ग्रोथ है, तो उसने क्या किया, यहां पे एक्वायर किया, एसआर हच को एक्वायर किया उसने, और फिर उसने काम करना शुरू किया। और बाद में उसने क्या किया, वोडाफोन और आइडिया ने जॉइंट कोलैबोरेशन कर लिया है ना, और वेंचर आउट करके और मार्केट के लीडर बन गए किसी समय में। आज जियो ने उनको पछाड़ दिया, एयरटेल भी उनको पछाड़ चुका है। तो जब वोडाफोन भारत में आई थी, ब्रिटिश कंपनी, तो वो क्या कर रही थी, भारत में आके अपना मार्केट डेवलप कर रही थी बेटा। उसने यहाँ आके मार्केट डेवलप किया अपना। और इसी तरीके से मैं बात करूं, अगर नया प्रोडक्ट नया मार्केट है तो हम इसको नाम देते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं अच्छा उदाहरण मानता हूं एयरटेल का। एयरटेल जो है वो टेलीकॉम प्रोडक्ट है भारती ग्रुप का। उसने सबसे पहले हमें टेलीकॉम प्रोडक्ट दिया 2002 में। उसके बाद सुनील मित्तल जो उसके ग्रुप चेयरमैन है भारती ग्रुप के, उन्होंने वहीं काम नहीं रोका, उन्होंने भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस दिया, इंश्योरेंस सेक्टर, पहले टेलीकॉम, फिर किसमें गए वो इंश्योरेंस में, फिर वो लेके आए डिजिटल टीवी और साथ में हमारे को डीटीएच दिया घरों पे, और अब वो जा रहे हैं एफएम रेडियोज में। जिस तरीके से बिग एफएम आता है रिलायंस का, वैसे ही आ रहा है। तो बताओ ये पुराने काम से अलग हटके नहीं है क्या, ये कहलाएगा आपका कॉन्ग्लोरोमेट डाइवर्सिफिकेशन। हर काम जो हमने किया पहले से अलग किया, तो ये तरीके का काम करना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कॉन्ग्लोरोमेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉपी किताब के टर्म्स में कहूं तो हम डिजिटल कंटेंट बेचते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेचते हैं, लेकिन कल को इस डिजिटल कंटेंट के अलावा कल कॉपी किताब अपना एक स्टडी चैनल ले आए, है ना, मैं एक आइडिया थ्रो कर रहा हूं, कल को कॉपी किताब अपना एक स्टडी चैनल ही ले आता है, और वो स्टडी चैनल उसका एक नया प्रोडक्ट हो जाएगा, और वो मार्केट क्या करे, पूरे दुनिया भर में जितने स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के कोर्सेज करते हैं उनकी जानकारी के लिए वो डेवलप करे, तो ये कॉपी किताब का क्या कहलाएगा बेटा, ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। तो देखे हमने बातों बातों में हमने दूसरा मेथड भी पढ़ लिया, जिसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है आइगर एनसॉफ मैट्रिक्स। बात आई क्या बेटा सबको समझ में? चलिए अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं अपन, जिसका नाम है आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स मेथड। क्या नाम है बेटा इसका? आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स। बात आ रही क्या सबको समझ में? चलिए तो सबको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं आर्थर डी लिटिल की तरफ। जैसा कि नाम है इसका, आर्थर डी लिटिल इज द मैट्रिक्स विच इज डेवलप बाय, इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड विच इज डेवलप बाय आर्थर डी लिटिल। ये नाम है व्यक्ति का, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, आर्थर डी लिटिल। तो पहली बात, जो आर्थर डी लिटिल पे सवाल आता है तो आपको क्या लिखना है, इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन आर्थर डी लिटिल। सेकंड क्या, इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड बेस्ड ऑन, ये भी दो चीजों पे निर्भर है, जैसे वो दो हर बीसीजी भी दो चीजों पे निर्भर थी, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट, एनसॉफ भी दो चीजों पे निर्भर है, प्रोडक्ट एंड मार्केट, और इसी तरीके से ये भी हमारे दो चीजों पे निर्भर है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, तो एडीएल में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट टू पॉइंट आर्थर डी लिटिल इज द नेम, सेकेंड इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड, थर्ड इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ द मार्केट। इट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस कॉम्पिटेटिव पोजिशन इन द मार्केट। इट इज टू डायमेंशन मैट्रिक्स जिसमें हमारी स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसकी होती है चार स्टेजेस, एम्ब्रायनिक, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड एजिंग। चार स्टेजेस होती है इसकी, एम्ब्रायनिक मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ का मतलब होता है हाई लेडर पे जाना, और मेच्योरिटी का मतलब होता है अब ये इसके बाद में डिक्लाइन पे आने जा रहा है, और फोर्थ होता है हमारा एजिंग, जिसको हम डिक्लाइन कहा करते हैं। सो लेट्स टेक द थर्ड मेथड, जैसा मैं बता रहा था आपको, थर्ड मेथड इज इट इज डेवलप बाय आर्थर डी लिटिल, पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट इज इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड। थर्ड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन ए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स फॉर्म वेयर वन एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच इज नोन एज PLC or stage of industry maturity which comes into the horizontal axis.
Second is competitive position of the product in the market. It comes into the vertical axis. As far as stages of the industry maturity is concerned, there are four stages into it. Embryonic, that is introduction, growth stage, maturity and aging, which is also known as decline. जहां तक कॉम्पिटेटिव पोजीशन की बात है, पांच प्रकार की होती है कॉम्पिटेटिव पोजीशन. कौन सी पांच प्रकार की होती है बेटा, मैं बता दूं आपको. कैसा होना चाहिए भैया, ये होना चाहिए कॉम्पिटेटिव पोजीशन इज डोमिनेंट, स्ट्रांग, फेवरेबल, टीनेबल एंड वीक. सो कैसे समझेंगे भाई इसको, आओ जरा इसको समझते हैं सभी लोग. दिस इज अगेन ए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स. कैसी है भैया, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है. एक्स एक्सिस जो होती है रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, ठीक है. वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास कॉम्पिटेटिव पोजीशन को. किसको रिप्रेजेंट करती है भाई हमारी, कॉम्पिटेटिव पोजीशन, ठीक है. इट इज ए 4x5 मैट्रिक्स. इट इज ए 4x5 मैट्रिक्स. तो क्या करेंगे बेटा अपन, में चार तो बना लेंगे इसमें कॉलम और पांच बना लेंगे हम इसमें रोज. 1, 2, 3, 4, ठीक है. कौन कौन सी स्टेजेस है, फर्स्ट इज एम्ब्रॉयनिक, सेकेंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मेच्योरिटी, फोर्थ इज डिक्लाइनिंग और एजिंग, ठीक है. यहाँ पोजीशन क्या क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, एक और आनी चाहिए पांच. तो सबसे पहली पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को हम यहाँ पे कहा करते हैं द स्ट्रांग डोमिनेंट पोजीशन. तो हम सबसे पहले लेंगे डोमिनेंट, सेकेंड पोजीशन इज स्ट्रांग, थर्ड पोजीशन इज फेवरेबल, फोर्थ पोजीशन इज टीनेबल, फिफ्थ पोजीशन इज वीक. सो इट इज अ 4x5 मैट्रिक्स. 4x5 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वेयर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है ना, जिसमें चार स्टेजेस है, एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड एजिंग. वाई एक्सिस कॉम्पिटेटिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज डोमिनेंट, स्ट्रांग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक. बात आई क्या सबको समझ में, कैसे बनाना है इसको. इट इज अ 4x5 मैट्रिक्स गिवन बाय आर्थर डी लिटिल. इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड विच इज अगेन इन टू डायमेंशन फॉर्म. आई एम समराइजिंग दिस थर्ड मेथड वेयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी विच आर इन द फोर स्टेजेस, एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मेच्योरिटी, एजिंग. सिमिलरली द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कॉम्पिटेटिव पोजिशन इन द मार्केट प्लेस. दे आर डोमिनेंट, स्ट्रांग, फेवरेबल, टीनेबल एंड वीक. So these are the five stages. अब यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए डायरेक्टली इस पे ये पूरा बनाने का आपको सवाल नहीं आएगा. आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको याद कैसे रखना है इसको. मैं बात कर रहा हूं जुलाई 20 के करंट डेटा की. करीब करीब 700 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स इस समय कंट्री में. जियो इस समय 51.76% के साथ डोमिनेंट पोजिशन में बैठा है इंडिया में. एयरटेल नंबर टू पे है, स्ट्रांग पोजीशन है उसकी 22.52% से, मैंने आज ही डेटा देखा है गूगल करके. थर्ड है फेवरेबल, और ये डेटा ऑथेंटिक सोर्स है ट्राई की साइट से. थर्ड है फेवरेबल, फेवरेबल है वोडाफोन आइडिया जो कि करीब 20.41% पे है. फोर्थ है टीनेबल जो है हमारा बीएसएनएल 4.1 पे. और लास्ट पोजीशन है वीक, मतलब जिसे पैरिश ही होना है, जैसे डॉग पोजीशन थी बीसीजी में, वो है करीब एमटीएमएल 0.17% पे. तो हमने बेटा आपको बता दी पांच पोजीशन क्या होती है, डोमिनेंट, स्ट्रांग, फेवरेबल, टीनेबल और वीक. और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चार होती है, मतलब अभी जस्ट हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई है, वो कहलाती है एम्ब्रॉयनिक या इंट्रोडक्शन. दूसरी होती है जब हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं ग्रोथ से, जैसे इस समय हिंदुस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री चल रही है. थर्ड होती है हमारी मेच्योरिटी. मेच्योरिटी का मतलब होता है अब हमारी स्टेज में इसके बाद सेचुरेशन नहीं आएगा, डिक्लाइन ही आएगा. और फोर्थ आ जाता है एक्चुअल डिक्लाइन, जब हमारी इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पे होती है. ऐसी स्थिति में मैं एक चीज समझा देता हूं, सारा याद आपको एग्जाम में नहीं करना है. मैं डोमिनेंट पोजीशन को बता देता हूं, एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मेच्योरिटी, रेजिंग में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कुछ आप समझ लेना. ये स्केलेटन के तौर पे आता है, कभी भी बड़ा पूरा सवाल इस पे नहीं बनता है, इसलिए आप इतना याद रखेंगे. मैंने इसका एक फ्रेमवर्क आपको बता दिया है. व्हेन यू आर डोमिनेंट लाइक जियो, सपोज जियो इंडस्ट्री में आई होती और इंडस्ट्री अभी शुरू ही हुआ करती, जैसे एयरटेल के साथ 2002 में हुआ था, क्योंकि उससे पहले इंडस्ट्री में केवल बीएसएनएल होती थी, पहला मार्केट का प्राइवेट प्लेयर था एयरटेल. सपोज वैसी स्थिति में एयरटेल या आज की स्थिति में जियो होती तो क्या करते हम, फास्ट ग्रो करते हम, अपने चारों तरफ बैरियर्स को बिल्ड करते ताकि और लोग की एंट्री मुश्किल हो जाए. हम नियम कायदे ऐसे बनवाते सरकार से, है ना, ब्राइब दे के या जैसे भी, तो हम ऐसे नियम कायदे बनवाते कि दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो जाए. और हम ऑफेंसिवली एक्ट करते कि हम अपनी स्कीम्स ऐसी लॉन्च करते कि कस्टमर दूसरों के पास ना जाए.
अगर हम ग्रोथ स्टेज पे हैं और हम स्ट्रांग हैं, डोमिनेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अभी भी फास्ट ग्रो करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप अटेंड करेंगे, अपनी पोजीशन को रिन्यू करेंगे, अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे ताकि हमारा मार्केट शेयर कम नहीं हो, और हम ऑफेंसिवली एक्ट करेंगे ताकि दूसरी कंपनियों को अक्वायर कर सके। अगर मेच्योरिटी स्टेज पे आ गए और हम डोमिनेंट हैं, जैसा कि हम बात करते थे कैश काउ की पोजीशन में, बीसीजी में, तो क्या करें, अपनी पोजीशन को डिफेंड करें, बने रहें ताकि हमारा शेयर कम नहीं हो, कॉस्ट लीडरशिप अटेंड करें ताकि और कम कॉस्टिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज दें, रिन्यू करें, आगे हमें क्या करना है, फिर हम फास्ट ग्रो करने की कोशिश करेंगे मेच्योरिटी में, इस स्टेजेस का आकलन करते हुए, और हम एक्ट ऑफेंसिवली करेंगे कि अगर पूरी स्थिति में कुछ कंपनियां अपने आप का बेच बाच के निकलना चाहती हैं तो हम सिंगल मोस्ट प्लेयर बन जाएं इस इंडस्ट्री के, ताकि हमारे सामने कोई और नहीं रहे, और जब अच्छी स्थिति आए तो हम ग्रो कर जाएं। जहां तक एजिंग की बात है, आप डोमिनेंट है तो क्या करें, अपनी पोजीशन को डिफेंड करें, अपनी पोजीशन को रिन्यू करें, फोकस करें कि मेरा मार्केट क्या रहने वाला है, एंड देन कंसीडर करें विड्रॉल की। बात आई क्या सबको समझ में? तो ये था हमारा थर्ड मेथड जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और कॉम्पिटेटिव पोजीशन के एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को। चलिए, तो ये थर्ड भी आपको समझ में आ गया, चलो कंप्लीट करते हैं फोर्थ वन। मैंने इसको मई 20 के लिए इंपॉर्टेंट बनाया था, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, इसे स्टॉप लाइट मेथड भी कहते हैं। आओ फटाफट से क्लियर कर लेते हैं इसको। मैं बता दूं आपको बेटा, आपने बीसीजी पढ़ा था, वो 2x2 की मैट्रिक्स थी। आसानी से समझने के लिए मैं कहूं तो जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, जिसे स्टॉप लाइट मॉडल भी कहते हैं, इट इज ए 3x3 मैट्रिक्स, वो 2x2 की थी, ये कितने की है, 3x3, उसी तरीके से बनती है। इसको किसने बनाया, की पॉइंट याद करें, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मैकेंजियन कंपनी, तो जी ने मैकेंजियन कंपनी के साथ बनाया। पहला पॉइंट याद रखें, इट इज सिमिलर टू बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट है इसका, लेकिन इसमें डिफरेंस है, यहां पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेस करती है मार्केट ग्रोथ को, मतलब यहां मार्केट ग्रोथ का नाम क्या हो जाता है, जी में, जीई मॉडल में, जीई पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड में नाम क्या हो जाता है बेटा इसका, इसका नाम हो जाता है मार्केट ग्रोथ की जगह मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और वहां दो स्थितियां थी बीसीजी में, हाई और लो, यहां तीन स्थिति हो जाएगी मार्केट अट्रैक्टिवनेस की, हाई, मीडियम एंड लो, हाई, मीडियम एंड लो। उसी तरीके से वहां पे मार्केट ग्रोथ रेट थी वो दो प्रकार की थी, हाई और लो, यहां तीन प्रकार की हो जाती है, हाई, लो, हाई, मीडियम एंड लो। तो इस तरीके से ये 3x3 की 3x3 की एक मैट्रिक्स बन जाया करती है। तो बेटा कैसी हो गई हमारी मैट्रिक्स, जरा समझे इस बात को हम सब लोग, इट इज ए 3x3 मैट्रिक्स। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं बेटा, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, इट इज ए 3x3 मैट्रिक्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां एक्स एक्सिस पे क्या बनाया जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस पे हम लोग बताया करते हैं, किसको बताएंगे हम लोग, मार्केट शेयर को बताएंगे, किसको बताएंगे बेटा हम लोग, मार्केट शेयर को बताएंगे, हम यहां बताएंगे आपको मार्केट शेयर, क्या बताएंगे बेटा हम लोग यहां पे, एक्स एक्सिस पे मार्केट शेयर, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या बताएंगे अपन, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जो कि बीसीजी में कहलाती थी मार्केट ग्रोथ। तो क्या बताएंगे अपन इसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल रिप्रेजेंट मार्केट शेयर, क्या बताएगी हमारे को, मार्केट शेयर को बताएगी, इट विल शो मार्केट शेयर, इट इज शोइंग मार्केट शेयर। वाई एक्सिस क्या बताएगी आपको, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, 3x3 की है तो टोटल कितने बनेंगे इसमें, 9 सेल्स बनेंगे इसमें, कितने सेल बनेंगे भाई, 9 सेल बनेंगे, कैसे बनाएंगे, दिस इज हाई, दिस इज मीडियम, दिस इज लो, ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई, हाई, मीडियम, लो, हाई, मीडियम, लो, ठीक है, हाई, मीडियम, लो, इसी तरीके से इसमें भी तीन पोजिशन बनेगी, हाई, मीडियम, लो। तो बीसीजी की तरह ये भी एक टू डायमेंशन मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें 2x2 की जगह 3x3 सेल बनाएंगे तो 9 सेल आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सेस मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल एक्सेस मार्केट अट्रैक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करती है, यहां दो की जगह तीन स्टेजेस आ जाती है, हाई, मीडियम, लो, हाई, मीडियम, लो। अब देखो इसको समझ के बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं, बहुत आसान आप सबके लिए, देखो मेरी तरह समझते चलो। आप सबसे पहले यहां लिखो इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्ट, फिर यहां लिखो आप प्रोटेक्ट, और यहां लिखो आप डाइवेस्ट। पहले ये डायगोनल भर दो, पहला तरीका क्या है आपका, डायगोनल भर दो, इन्वेस्ट, मैं समझाऊंगा बाद में, पहले भरने का तरीका, याद करने का तरीका बता रहा हूं। आप पहले कॉर्नर पे लिखे इन्वेस्ट, फिर लिखे प्रोटेक्ट, फिर लिखे डाइवेस्ट। अब आपको इस तरीके से इसको भरना है सेकेंड स्टेज में, क्या लिखेंगे यहां पे, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट, हार्वेस्ट,
क्या लिखेंगे बेटा आप, इन्वेस्ट प्रोटेक्ट हार्वेस्ट, और इसी तरीके से इस थर्ड में भी आप लिखेंगे इन्वेस्ट प्रोटेक्ट और हार्वेस्ट। बनाने का तरीका समझ में आया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग मार्केट शेयर विच हैज थ्री स्टेजेस, हाई मीडियम एंड लो। वर्टिकल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग मार्केट अट्रैक्टिवनेस विच इज अगेन इन ऑफ थ्री टाइप्स, हाई मीडियम एंड लो। अब भरने का तरीका क्या है, पहले आप क्या करने वाले हैं, इस डायगोनल को भरेंगे। कैसे भरेंगे, इन्वेस्ट प्रोटेक्ट डाइवेस्ट। उसके बाद आप भरेंगे इस एल को, क्या भरेंगे, इन्वेस्ट प्रोटेक्ट हार्वेस्ट। डाइवेस्ट की जगह हो जाएगा हार्वेस्ट। यहां भी आप ऐसे ही करेंगे, इन्वेस्ट प्रोटेक्ट हार्वेस्ट। हो गए 9 सेल भर गए हमारे। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है समझ लो, बीसीजी को कंपेयर करते चलो। अगर आपका मार्केट शेयर हाई है और मार्केट में अट्रैक्टिवनेस है तो बिल्ड करते थे। बिल्ड करने के लिए क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें पैसा, तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे बेटा इसके अंदर। इसी तरीके से अगर आपका मार्केट शेयर मीडियम है, आप एयरटेल है, आप वोडाफोन है और मार्केट शेयर हाई है, तब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेंगे ना, कर ही रहे ना अपने मार्केट में ग्रोथ लाने के लिए। सारे पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड ग्रोथ के लिए। अगर आपका मार्केट शेयर कम है, एक्स एक्सिस पे आपका मार्केट शेयर कम है, लो है ना, जैसे वो प्रॉब्लम चिल्ड्रन होता था, और मार्केट में ग्रोथ ज्यादा आई हुई है, तो ऐसे केस में आप अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, जैसे बीएसएनएल, कहीं यही खत्म नहीं हो जाए हमसे। इस तरीके से एक एक स्ट्रेटेजी को बनाया गया है, और इसी तरीके से सब स्ट्रेटेजीज के कॉर्नर पे इन्वेस्ट प्रोटेक्ट हार्वेस्ट आपको मिलता है। तो ये था हमारा जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। क्या पढ़ लिया बेटा आज अपन ने, आज हमने कवर किए 4 तरीके के पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड। एग्जाम में नवंबर 20 में 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसे जरूर देखेंगे। तो आज हम समअप कर रहे हैं अपनी सीरीज को। तो जैसा मैं बता रहा था, आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, देखें इस पे सी ए सी पी टी है, जिसको फाउंडेशन कहा जाता है आजकल। फिर कुछ फ्री रिसोर्सेज है क्लास के हमारे, जो आप देख पा रहे होंगे क्या क्या फ्री रिसोर्सेज हमारे। देखो सी ए फाइनल, इसका की पूरी बुक हमने रख रखी है फ्री रिसोर्स में, बच्चा यहाँ को पढ़ सकता है इसको। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, अमेंडमेंट नोट्स रख रखे हैं, फिर हमने ITSM हिंदी में शॉर्ट नोट रख रखे हैं, फिर हमने ITSM इंग्लिश में रख रखे हैं। और अगर आप हमारे और मटेरियल देखना चाहते हैं तो आपको स्टोर में जाना पड़ेगा। स्टोर में दो ऑप्शन आ रहे हैं, सीए फाउंडेशन एंड अदर्स। आप अदर्स में जाएंगे, अदर्स में आप देखें नीचे आ जाते हैं सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में आपको दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में बत्रा सर, लाइब्रेरी के ऊपर। आप बत्रा सर पे क्लिक करें, जैसे आप बत्रा सर पे क्लिक करेंगे हमारे सारे प्रोडक्ट आपको लिस्ट हो जाएंगे। देखें सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली कैटेगरी ऑल, सेकंड कैटेगरी है ई बुक की, जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रही हैं। देखें समरी नोट्स मिल रहे हैं जिसको आप यूज कर सकेंगे अनलिमिटेड टाइम पीरियड पे। इसके साथ साथ ओल्ड कोर्स की भी हिंदी में अवेलेबल है, इसका की बुक अवेलेबल है, अमेंडमेंट नोट्स है। इसके अलावा हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओल्ड सिलेबस की हिंदी मीडियम की बुक है, आप ले सकते हैं। देखो थ्रो अवे प्राइस पे 141.79 में मिल रही है ये किताब आपको, यू सेव 57 रुपीज है ना। इस पे 29% अभी ऑफ चल रहा है, कॉपी किताब आपको ऑफ दे रही है। ये किताब केवल 141 रुपए में आपको अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओल्ड कोर्स जो है आपकी बुक, वो करीब 141 पे अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो 426 पे आपको अवेलेबल है, वैसे उसका प्राइस 599 है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक आपको मिल जाएगी हमारी कितने रुपए में, 213 पे। चार्ट बुक मिल जाएगी आपको नई वाली 141 पे। फ्लो चार्ट की बुक मिल जाएगी आपको 70 रुपीज पे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक 213 पे मिल जाएगी। सब पे देखो ऑफ चल रहा है अभी कॉपी किताब, चूंकि पेंडेमिक टाइम में बच्चों की मदद कैसी की जाए इसके लिए आपके स्कीम लेके आए हैं। ये कुछ दिनों के लिए है, एक बार ऑफ जो अभी 29% है, ये शायद हो सकता है विद इन अ वीक विड्रॉल कर लिया जाए, इसलिए अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इनको यहां से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अमाउंट बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। ओल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो बुक है वो 284 पे मिल जाएगी आपको, न्यू वाली। उसके बाद आ जाए आपको वीडियो देखे हमारे सारे मिल जाएंगे, मतलब ESSM और ITSM के आपके इंडिविजुअल वीडियो आप यहां से ले सकते हैं ऑफलाइन बोर्ड में, उसको अनलिमिटेड टाइम तक आप पढ़ सकते हैं। यहां पे देखें आप, ये हमारा ITSM का जो ओल्ड टॉपिक हुआ करता था EDP ऑडिट, ये ऑडिट के पेपर से आता है आपको, वो लेक्चर आपको हमारा मिल जाएगा कितने पे, ओनली 71 रुपीज पे। इस पे भी ऑफ चल रहा है हमारा। ITSM का लेक्चर मिल जाएगा जो कि मई जून के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन अब नवंबर में मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स आप देखो, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स आपको मिल रहेंगे एट द रेट ऑफ 71 रुपीज ओनली। अभी छूट चल रही है हफ्ते भर तक, कॉपी किताब प्लेटफॉर्म आपको ये छूट दे रहा है, तो जल्दी से अवेल कर ले जिन जिन लोगों को अवेल करना है। ऑल द लेक्चर्स आर जनरली अवेलेबल ऑन 71 रुपीज। आपको ओल्ड कोर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, न्यू कोर्स भी मिल जाएगा। उसके बाद आप आ जाए लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट प्रिपरेशन में आपको ओल्ड कोर्स IT के, ओल्ड कोर्स SM के, न्यू कोर्स EIS के, न्यू कोर्स SM के आपको टेस्ट मिलेंगे।